महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 90वें संस्थापक सप्ताह समारोह का शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा भारत सरकार के सूचना और प्रसारण तथा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने महाराणा प्रताप के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने 9 दशक की यात्रा को पूरा करने की ओर अग्रसर है तथा 90वें साप्ताहिक संस्थापक समारोह कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और ऐतिहासिक संस्कृति विरासत को अक्षुण्य बनाए रखते हुए कार्य किया जा रहा है तथा देश के युवाओं के अंदर नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार देखने को मिला कि ऊर्जा के साथ भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि जब ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करके वापस आते हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की शुरुआत 1932 में इस उद्देश्य से हुई थी कि महंत दिग्विजयनाथ उस समय युवा थे तथा उनकी आयु उस समय 36 वर्ष की रही होगी। तब उस उम्र में जब देश के आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि अपने गुरु के सम्मान के लिए उन्होंने जिस स्कूल की स्थापना की वह स्कूल आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है, जिसमें वर्तमान में 5,000 से अधिक बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। वहीं से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की नींव पड़ी, जिस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में लगभग 50 शैक्षिक संस्थाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न परिकल्पना के साथ जुड़कर समाज और राष्ट्र निर्माण के साथ अपने आप को जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, भारत के छात्रों के लिए, विकास के लिए और उनके जीवन के इस महत्वपूर्ण यात्रा के बारे में कोई बाधा ना आए, भारत सरकार ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगले वर्ष से लागू हो जाएगी, जिसकी धमक अभी से सुनाई दे रही है। इस अवसर पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामलों के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि गोरक्षनाथ की इस तपोभूमि में समाज को बढ़ाने के लिए जो काम हुए हैं, ऐसी तपोभूमि को नमन करते हैं। उन्होंने कहा, गोरखपुर अनेक महापुरुषों की तपोभूमि है तथा अब देश और विदेश में विशेष स्थान है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ के लोगों ने विशेष भूमिका निभाई थी तथा चौरी चौरा की घटना से आज़ादी को एक विशेष दिशा मिली थी। संत कबीर दास से लेकर मुंशी प्रेमचंद तक जनपद को नया मुकाम देने का काम किया है। यहाँ गुरु गोरक्षनाथ हैं, क्योंकि जब गोरखपुर की बात की जाती है तो गुरु गोरक्षनाथ के बिना अधूरा है तथा गुरु गोरक्षनाथ पीठ नाथ पंथ की सर्वोच्च पीठ है। उन्होंने कहा, किसी भी राष्ट्र की पहचान वहाँ के संस्कृति से होती है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी की संस्कृति का माध्यम शिक्षा है तथा वास्तविक शिक्षा वह है जो अतीत से सीख कर वर्तमान के धरातल पर श्रेष्ठतम विषय का निर्माण का माध्यम है। उन्होंने कहा, नई शिक्षा नीति को जब मोदी सरकार ने लाने का कार्य किया तो उसको सबसे आगे बढ़कर लागू करने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर से नेपाल तक किसी ने 9 दशकों तक शिक्षा देने का काम किया तो वह महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने किया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ उन महात्माओं में से थे जिनका मकसद राष्ट्र की सेवा थी तथा स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज़ादी के बाद उन्होंने गोरखपुर को एक नई दिशा दी थी तथा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद उनके अथक प्रयासों से शुरू हुआ था। इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह, सदर सांसद रवि किशन, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, शीतल पांडे सहित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थान के छात्र व छात्राएं मौजूद रहे। समय आपको खड़ा होने के लिए यहाँ मंच से निवेदन। आपके सामने मीडिया के मित्रों की चहलकदमी बढ़ती हुई, खुद युवा ऊर्जा से ओतप्रोत हमारे युवा मुख्य अतिथि मान के साथ कदम से कदम मिलाते हुए पूरे सम्मान, ओज और ऑनर के साथ पहुंचते हुए ध्वजारोहण स्थल पर हम सब के बीच इस महाराणा प्रताप परिसर में ध्वजारोहण
का कार्य संपन्न करता हुआ हर्ष भर के साथ तालियां और बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों से ध्वजारोहण और राष्ट्रगान की धुन बजती हुई और मंच की तरफ पढ़ते हुए हमारे माननीय मुख्य हमारे मंच पर विराजमान होते हुए परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश आज के कार्यक्रम के सूत्रधार और मार्गदर्शक तथा माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी सूचना प्रसारण खेल एवं युवा मामलों के माननीय मंत्री जी आप सबके कर कमलों से इस शानदार मंच पर माँ सरस्वती विद्यारणी गुरु गोरक्षनाथ हिंदू आश्रय महाराणा प्रताप ब्रह्मलिंग महान दिव्यनाथ जी महाराज एवं ब्रह्मलिंग महान अवैधनाथ जी महाराज के चित्रों पर पुष्पांजलि धन्य धन्य जिनके कृतित्व से है जिसका व्यक्तित्व तो आज तक कीर्तिमान है वन वन फिरा ले स्वतंत्रता का दीप हाथ घास की भी रोटी खाई जानता जहान है देश हित कुल धर्म स्वाभिमान रखे महाराज महंत वैद्यनाथ महाराज और सरस्वती के चित्रों पर पुष्पांजलि और उसके पश्चात मंच पर विराजमान होते हुए हमारे पूज्य महाराज श्री और आज के माननीय मुख्य अतिथि माननीय अनुराग ठाकुर आप सबका शैक्षिक प्राविधिक चिकित्सा और इस तरह के तमाम सारी सेवाओं में शिक्षा परिषद की 50 संस्थाओं का ये विराट वटवृक्ष और उसका अभिनंदन और उसका अभिवादन इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स की छात्राओं को सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने के लिए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज की छात्रा स्मृति चिन्ह
अपने किसी भी सम्मान अतिथि को सम्मानित करने का स्मृति चिन्ह और गोरखपीठ द्वारा प्रकाशित ग्रंथ के द्वारा गुरु अध्यात्म और चिंतन की वैतरणी, योग और अध्यात्म की त्रिवेणी बहाने वाली भारत माता की, भारत माता की महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 90वें संस्थापक सप्ताह समारोह के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के सूचना प्रसारण खेलकूद एवं युवा मामलों के मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री राघवेंद्र सिंह जी, श्री राकेश सिंह बघेल जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी पदाधिकारीगण, श्री राजेश मोहन सरकार जी, चौधरी प्रमोद चंद जी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी, श्री परमतनाथ मिश्र जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, अनन्य प्रताप शाही जी, कालीबाड़ी के महंत जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी प्राचार्य, प्रधानाचार्य, आचार्य और प्यारे बच्चों, आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने 9 दशक की यात्रा को पूरा करने की ओर अग्रसर है और 90वां संस्थापक सप्ताह समारोह कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाले विभिन्न प्रकार के आयोजनों के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए गोरखपुर में भारत सरकार के सूचना प्रसारण खेल और युवा मामलों के मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का आगमन हुआ है। उत्तर प्रदेश की धरती में वे आए हैं, गोरखपुर में आए हैं,
तो स्वाभाविक रूप से मैं आप सब की ओर से, शिक्षा परिषद की ओर से, उनका उत्तर प्रदेश की धरती पर, गोरखपुर की धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गोरखपुर और हिमाचल प्रदेश के वे मूल निवासी हैं और हिमाचल प्रदेश और गोरखपुर का एक बहुत नजदीक का संबंध भी है। जिस महायोगी के नाम पर गोरखपुर का नाम गोरखपुर पड़ा है, महायोगी बाबा गोरखनाथ जी का गोरखपुर में आगमन हिमाचल प्रदेश से ही कांगड़ा जी के स्थान से महायोगी गोरखनाथ जी का गोरखपुर में आगमन हुआ है, जिसके स्मृति में आप प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर बाबा गोरखनाथ जी को लाखों की संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार और नेपाल के लोग आकर के एक खिचड़ी चढ़ाते हैं और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। तो महायोगी गोरखनाथ जी का आगमन हिमाचल प्रदेश से ही हुआ था और आज हिमाचल प्रदेश के ही एक सपूत, भारत सरकार के लोकप्रिय और कर्मठ मंत्री जो प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश के अंदर न केवल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारत की पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अछूर्ण बनाए रखते हुए कार्य कर रहे हैं, बल्कि देश के युवाओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए आजादी के बाद पहली बार ये देखने को मिला है कि भारत में कितनी ऊर्जा, भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। जब ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करके वापस आते हैं तो उस विभाग के मंत्री के रूप में आज आपका गोरखपुर में आगमन हुआ है। गोरखपुर में ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के द्वारा 1932 में स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की शुरुआत ही 1932 में इस उद्देश्य से हुई थी। कहते हैं उस समय महंत दिग्विजयनाथ जी युवा थे, उनकी कुल आयु उस समय 36-37 वर्ष रही होगी और उस उम्र में जब वह देश की आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, बहुत नजदीक से जुड़े हुए थे। उस समय जब उन्हें पता लगा कि उनके स्कूली गुरु को उस समय इसलिए स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के लिए कुछ आह्वान किया था, उस अभियान के साथ जुड़े थे, तो उन्हें स्कूल से शासन ने बर्खास्त कर दिया। अपने गुरु के सम्मान के लिए उन्होंने जिस स्कूल की स्थापना की, वही स्कूल आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है, जिसमें 5,000 से अधिक बच्चे वर्तमान में भी अध्ययन कर रहे हैं और वही स्कूल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की न्यू पड़ी, जिस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में आज लगभग 50 संस्थाएं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों के साथ जुड़ करके समाज और राष्ट्र निर्माण के केंद्र और प्रदेश सरकार के आह्वान के साथ अपने आप को जुड़े हुए हैं। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित और
ब्रह्मलीन गोरक्ष पिताधीश्वर महंत अभेद्यनाथ जी महाराज के द्वारा पंडित पोषित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी सभी संस्थाओं के उन्नयन के लिए इसमें अध्ययनरत छात्र छात्राओं, यहां पर शिक्षणोत्तर कर्मचारी, यहां के आचार्यगण, प्रधानाचार्य और प्राचार्यगण, ये सभी लोग मिलकर के न केवल अपने कैंपस में बल्कि उसके बाहर भी राष्ट्रीय मूल्यों की शिक्षा, देशभक्ति की शिक्षा, न केवल सैद्धांतिक और व्यावहारिक जीवन में बल्कि एक छात्र के सर्वांगीण विकास में क्या भूमिका होनी चाहिए शिक्षा की, इस भूमिका का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। हम सब जानते हैं वर्तमान में पूरी दुनिया विगत 20 माह से एक महामारी का सामना कर रही है, एक कोरोना महामारी। इसने सामाजिक जीवन को और सामान्य जनजीवन को बुरी तरह दुनिया के अंदर प्रभावित किया, लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन दुनिया के सामने एक उदाहरण बना है। और कोरोना कालखंड में जब दुनिया अपने को बचा रही थी, तब भारत के अंदर न केवल भारत को बचाने, भारत के एक एक नागरिक की चिंता करने का दायित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कुशलतापूर्वक उन कार्यों का निर्वहन किया गया, बल्कि पहली बार भारत के युवाओं के लिए, भारत के छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए और उनके जीवन की इस महत्वपूर्ण यात्रा के मार्ग में कहीं कोई बाधा ना आने पाए, भारत सरकार ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी लागू किया है, जो शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगले वर्ष से लागू होने जा रही है, जिसकी अभी से धमक सुनाई दे रही है। एक नए भारत को कैसे निर्माण में हमारे युवाओं की भूमिका हो सकती है, इस भाव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और मुझे लगता है कि मैंने स्वयं भी एक वर्ष पहले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी प्रधानाचार्यों के साथ, प्राचार्यों के साथ बैठ करके इसके बारे में जानकारी ली थी कि आखिर नई शिक्षा नीति के लिए आप लोगों ने क्या कार्य योजना बनाई है, और मैं चाहूंगा अभी से हम लोगों को उस कार्य योजना के साथ जुड़ना होगा। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देश की आजादी का अमृत महोत्सव और गोरखपुर की चोरी चोरा की घटना का इस शताब्दी वर्ष भी है। याद करिए, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के ही चोरी चोरा में ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को हिलाने वाली वह यहां के स्थानीय नागरिकों का वह संघर्ष, जिसने भारत के इतिहास को पूरी तरह बदलने का कार्य किया था और विदेशी हुकूमत को अंतिम चेतावनी दे डाली थी कि अब बहुत अधिक दिनों तक भारत गुलाम नहीं रह सकता, भारत अपनी आजादी लेकर के ही रहेगा, वैसे ही जैसे महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने जब 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की होगी, तब इन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में पढ़ने, अध्ययन और अध्यापन के साथ जुड़े हुए सभी के शिक्षकों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए एक आदर्श रखा महाराणा प्रताप का, स्वदेश और स्वाभिमान क्या होना चाहिए, उस स्वदेश के लिए, स्वभक्ति के लिए, देशभक्ति का, शौर्य और पराक्रम का जीवन में क्या महत्व होता है, उन भावों के साथ जोड़ने के लिए, त्याग और बलिदान मातृभूमि के लिए किस रूप में किया जाना चाहिए, महाराणा प्रताप का जो आदर्श आप सबके सामने प्रस्तुत किया, वह प्रस्तुतिकरण उस कालखंड में चोरी चोरा की घटना के दौरान भी प्राप्त होता है, देखने को मिलता है।
एक साथ अनेक घटनाओं का साक्षी यह वर्ष हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही बात कहते हैं, ये अमृत काल है और अमृत काल महत्वपूर्ण होता है। ये व्यक्ति पे निर्भर करता है अमृत काल का फल किस रूप में लेता है, और मैं तो मानता हूं साक्षात फल आपको प्राप्त हो रहा है। कल सायकाल में अनुराग जी से भी, रवि किशन जी से भी, डॉक्टर राधा मोहन जी से भी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी से भी इनसे पूछ रहा था कि भाई कैसे होगा। कल सायकाल बारिश हो रही थी और अभी मैं देख रहा हूं इतनी तेज धूप है कि सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी आंखों में और जो अतिथि बैठे हुए उनकी आंखों में तेज धूप के कारण उनको स्वयं की कठिनाई महसूस हो रही है। लेकिन संस्थापक सप्ताह समारोह के लिए हम सबको इस प्रकार की चुनौतियों के साथ जूझते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। एक सप्ताह तक कार्यक्रम चलेंगे और एक सप्ताह के कार्यक्रम के बाद जो अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं चलेंगे, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से जब भारत की ओलंपिक की टीम टोक्यो गई थी तो उसको रवाना करने के लिए हमारे खेल मंत्री जो आज यहाँ पर सूचना प्रसारण खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने इस समय रवाना किया था। तब कहा था कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। खेल भावना इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। याद रखना, इस स्वस्थ और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, उसके जीवन में उन्नयन लाती है। और एक सप्ताह तक विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं चलेंगी, इसमें खेल कूद की भी प्रतियोगिताएं चलेंगी, वाद विवाद की भी प्रतियोगिताएं चलेंगी, विभिन्न प्रकार के लेखन के कार्यक्रम चलेंगे, अन्य अलग 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 प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होंगी उन प्रतियोगिताओं में जो छात्र छात्राएं विजयी होंगी उन सभी छात्र छात्राओं को फिर 10 तारीख के भव्य समारोह में यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की विभिन्न संस्थाओं में 50,000 बच्चे विभिन्न प्रकार की शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। 5,000 से अधिक शिक्षक शिक्षणोत्तर कर्मचारी इस संस्था के साथ जुड़ करके न केवल अध्ययन अध्यापन और सेवा के इस प्रकल्प के साथ जुड़े हुए हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी हमारी भी एक भूमिका होगी। कोई स्वास्थ्य के अभियान के साथ जुड़ा हुआ है, कोई शिक्षा के अभियान के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी सेवा के प्रकल्प के साथ जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति का अपना योगदान है और यही तो धर्म है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर ले, यही सबसे बड़ी बात है। और आज जब हम लोग शिक्षा परिषद का यह वर्ष महत्वपूर्ण है, 90 वर्ष होने जा रहे हैं पूरे, 90 वर्ष का मतलब एक लंबी यात्रा जहां पर एक मार्गदर्शक के रूप में एक व्यक्ति की भूमिका होती है, वरिष्ठतम अभिभावक के रूप में समाज परिवार के बाद समाज के मार्गदर्शक की भूमिका होती है। और केवल व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह किसी संस्था के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। संस्था 90 वर्ष की अपनी यात्रा पूरी कर ले, संस्था एक बार खड़ी कर देना आसान होता है, उस संस्था को जीवंत बनाकर के चलाते रहना यही साधना है। और उस साधना पथ पर आप सब बढ़ करके कार्य कर रहे हैं, यह अभिनंदनीय है। मैं एक बार फिर से आप सभी को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के अवसर पर चलने वाले सभी कार्यक्रमों के साथ उत्साह और उमंग के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ाने के लिए आपका आह्वान करते हुए आप सबको 90 वर्ष की इस यात्रा के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं। और साथ साथ इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी का, अन्य गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पूर्वक कार्य कर चुके हैं, लोकसभा में 85% संसदीय उपस्थिति, 72% संसदीय बहसों में भागीदारी तथा संसद में 612 प्रश्न पूछने वाले माननीय ठाकुर जी की राजनीतिक दक्षता और योग्यता के।
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आज के इस वार्षिक कार्यक्रम के उत्सव पर मैं मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के कर्मठ एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, लोकसभा में मेरे सहयोगी और यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रवि किशन जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय यूपी सिंह जी, नगर के सम्माननीय विधायक आदरणीय राधामोहन सिंह जी, महापौर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायक राघवेंद्र जी, माननीय विधायक विपिन सिंह जी, माननीय विधायक राकेश सिंह बघेल जी, महिला आयोग से हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमती अंजू चौधरी जी, सदस्य महाराजा प्रताप शिक्षा परिषद महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के चौधरी प्रमोद कुमार जी, सदस्य महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय मिश्रा जी, मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, मंच और सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, सभी आदरणीय शिक्षकगण, नॉन फैकल्टी के सभी सदस्य, सभी मेरे विद्यार्थी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो चीफ गेस्ट बोल रहे थे गोरखपुर की इस तपोभूमि को, जहां पर ना केवल स्वतंत्रता संग्राम में बल्कि समाज के चिंतन के लिए भी और समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी जो काम हुए हैं, ऐसी तपोभूमि को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि गोरखपुर भारतीय संस्कृति धर्म समाज और साधकों के उद्धार हेतु साधना की पवित्रता, संयमपूर्ण जीवन सूत्र, चारित्रिक श्रेष्ठता और अडंबर रहित जीवन के उद्घोषक महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ के नाम से उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्व छोर पर हमारी राप्ती और रोहिन नदियों के संगम क्षेत्र के गोरखपुर महानगर ये जो स्थित है, मैं इसको नमन भी करता हूँ, वंदन भी करता हूँ। और गोरखपुर अंचल हमारे अनेक संत महात्माओं एवं महापुरुषों की तपोस्थली एवं कर्म भूमि भी है। गोरखपुर का देश विदेश में विशेष स्थान भी है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में बहुत खास भूमिका यहाँ के लोगों ने निभाई थी। गोरखपुर के पास चौरी चौरा की घटना से आज़ादी के आंदोलन को एक नई दिशा मिली थी। संत कबीरदास से लेकर आधुनिक समय में मुंशी प्रेमचंद जी और रामप्रसाद बिस्मिल जी तक गोरखपुर ने देश को एक से एक महान विभूतियों को देने का काम किया है। जो गोरखपुर हमेशा देश का गौरव रहा और जिनके नाम पर ये शहर जाना जाता है, वह यहाँ की पूज्य गोरखपीठ, हर समाज हर वर्ग इस शहर की पवित्र पीठ से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। गोरखपुर का जीवन इस पीठ के इर्द गिर्द घूमता है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि गोरख हमारे जो हम गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखनाथ मंदिर के बिना ये अधूरा है, क्योंकि गोरखपीठ एक सिद्ध पीठ है, एक योग पीठ है। शिवावतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की तपस्थली पर उनकी सिद्धि और साधना और अखंडता प्रदान करती ये पीठ नाथ पंथ की सर्वोच्च पीठ है। सामाजिक धार्मिक आध्यात्मिक इतिहास में ये पीठ अपने सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए तो दर्ज है ही। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में नाथपंथी योगियों एवं योगेश्वरों की विशिष्ट भूमिका तथा सन्यासी आंदोलन में सहभागिता के कारण भी इस पीठ की भूमिका नज़रअंदाज कर
भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पूर्ण नहीं हो सकता है। श्री गोरक्षपीठ भारत की सनातन संस्कृति के उन धर्म केंद्रों, आध्यात्मिक केंद्रों और गुरुकुलों का आज भी प्रतिनिधित्व करता है जो भारत के सामाजिक और राष्ट्र जीवन की धुरी तथा मार्गदर्शक होते थे। भाई और बहनों, हम सबको ये पता है कि किस तरह से हमारी इस पीठ के माध्यम से वर्षों वर्षों तक हमारे यहाँ के संतों ने, महात्माओं ने समाज और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और ऐसे ही एक युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज द्वारा स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, जिसके कार्यक्रम में आज मैं शामिल हुआ हूँ, उसकी मान्यता है कि किसी भी राष्ट्र की पहचान, क्योंकि दिग्विजयनाथ महाराज की ये सोच भी थी कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है और संस्कृति राष्ट्र समाज के श्रेष्ठतम जीवन मूल्यों से निर्मित होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक प्रवाह का सर्वाधिक सुलभ माध्यम शिक्षा है और शिक्षा ज्ञान विज्ञान का मात्र साधन नहीं, अपितु वह मानव को उसकी संस्कृति में संस्कारित करने का एक सशक्त माध्यम है। पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित शिक्षा समाज और राष्ट्र की समग्र प्रगति में कभी सहायक नहीं हो सकती। वास्तविक शिक्षा वह है जो अतीत से सीखकर वर्तमान के धरातल पर श्रेष्ठतम भविष्य का निर्माण करने वाली पीढ़ी तैयार करे। नई शिक्षा नीति, जिसका उल्लेख माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, ये नई शिक्षा नीति 2020 की जो हम बात करते हैं, उसको जहां देश ने, मोदी सरकार ने लाने का काम किया, तो देश में जिस राज्य ने सबसे आगे बढ़ चढ़कर उसको लागू करने के लिए तैयारी की है वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उसको लागू करने का काम हो रहा, उसके कदम उठाए जा रहे हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद स्थापना तो 90 वर्ष पहले हुई, लेकिन 9 दशकों में ना केवल गोरखपुर को, ना केवल उत्तर प्रदेश को, बल्कि नेपाल से लेकर यहाँ तक भी शिक्षा और दीक्षा देने का काम किसी ने किया है तो हमारे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने किया है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज उन महान आत्माओं में से थे जिनके लिए धर्म का मतलब राष्ट्र की सेवा था, और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी के बाद उन्होंने गोरखपुर को एक नई दिशा दी थी। ये अद्भुत संस्था महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद उनके अथक प्रयासों से ही शुरू हुई। पूरे उत्तर प्रदेश, खासतौर पर गोरखपुर वालों के लिए अत्यंत संतोष की बात है कि जो सपने और जो विजन महंत दिग्विजयनाथ जी के द्वारा, जिस सोच के कारण हमें आगे बढ़ाने की शुरुआत हुई थी, उस सोच को पूरा करने का काम जहां एक और महंत वैद्यनाथ जी ने किया, आज उसी सोच को आगे बढ़ाकर और बड़ा करके देश और दुनिया में एक नई छाप छोड़ने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जहां एक और इस पीठ के माध्यम से, इस शिक्षा परिषद के माध्यम से हो रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा को एक नई दिशा देने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उनकी सरकार कर रही है। मेरे भाइयों में इनके आने से पहले उत्तर प्रदेश में गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद रिकॉर्ड समय में जितने आजादी से बाद आज तक, मैं कहूं कि जो 2017 की मैं बात करता हूं, अगर उससे पहले जितने मेडिकल कॉलेज थे उतने ही इन 5 वर्षों में मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया है। ये हमारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है। एम्स कहने की बात थी कि एम्स, दिल्ली वाले एम्स में यहाँ के हमारे नागरिक जाते थे, वहां पर अपना इलाज करवाते थे,
लेकिन आपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अपना सांसद चुना, एक बार नहीं कई बार, और इन्होंने जिस तरह से संसद में आपकी बात को जितनी गंभीरता के साथ रखा, उसके कारण मोदी जी ने 2016 में यहां पर शिलान्यास किया, एम्स 2016 में था, 2016 में यहां पर शिलान्यास किया था एम्स। कांग्रेस के समय जो एम्स बनते थे 20-20 साल तक भी पूरे नहीं हो पाते थे। ये मोदी योगी की सरकारें थी जिन्होंने 5 वर्षों में आपका एम्स का सपना भी पूरा करने का काम किया। हमने आपको यहां से ट्रेन पकड़कर दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, ओपीडी यहां शुरू कर दी गई है, पूरा एम्स का अस्पताल बनाकर आपको समर्पित करने का काम, वो दिन भी अब 2 दिन के बाद आने वाला है मेरे भाइयों। ये कब संभव हुआ? ये तब संभव हुआ जब इसी धरती से, इसी पुण्य धरती से, इसी पावन धरती से, जब आपने बार बार योगी आदित्यनाथ जी को संसद भी भेजा और इतना बड़ा नेता बनाया। मंत योगी तो बहुत बड़े थे ही, लेकिन जनता जब बार बार चुनती है, प्यार देती है, आगे बढ़ने का अवसर देती है, और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने जब 300 से ज्यादा सीटें जीतकर योगी आदित्यनाथ जी को देश प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया, तो केवल गोरखपुर आगे नहीं बढ़ा, पूरा उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने। और मैं कहना चाहता हूं कि ये छोटी बात नहीं थी। हम देखते थे दिल्ली में बैठे ही, दिल्ली के साथ लगते नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रात के समय बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था, जहां कंपनियों ने सैकड़ों करोड़ रुपए निवेश किए थे, जो उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार देने के लिए आती थी, उनके कर्मचारी भी डर डर के मारे रात को निकलते थे। लूटपाट हत्या एक आम बात बन गई थी, सपा की सरकार हो बसपा की सरकार हो, ये एक आम बात हो गई थी। भाई और बहनों, उस डर के वातावरण को खत्म करने का काम किसी ने किया है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, और वो भय और डर को खत्म करके आज निवेश उत्तर प्रदेश में ज्यादा करने का काम किया तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के समय। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 17वें स्थान पर था, लेकिन मात्र 5 वर्षों में देश के दूसरे नंबर पर लाने का काम किया है तो योगी सरकार ने किया है। अर्थव्यवस्था में आप 9वें नंबर पर थे पूरे देश भर में, लेकिन मात्र 5 वर्षों में दूसरे नंबर की देश की अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया तो योगी आदित्यनाथ। मैंने सब बातें युवाओं से इसलिए पहले की, आपकी शिक्षा पर आने से पहले, क्योंकि पढ़ लिख कर जब आप इस स्कूल से बाहर निकलोगे, इस कॉलेज से बाहर निकलोगे, तो आपके मन में कल्पना होगी कि हम करेंगे क्या। रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार, आविष्कार, अगर शिक्षा से प्राप्त ना हो तो शिक्षा अधूरी। रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार, आविष्कार, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और जब हम सब ये करना है, कहीं भी जाएंगे, व्यापार करना चाहेंगे, नौकरी करना चाहेंगे, तो उसमें एक सुरक्षा की भावना होगी, तब जाकर उसको आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। जैसे देश के बॉर्डर पर हमारे फौजी देश की रक्षा सुरक्षा के दिन रात एक करते हैं, जागते हैं, बलिदान देते हैं, और मैं तो हिमाचल प्रदेश की देवभूमि और वीरभूमि से आता हूं, जहां देवी देवताओं के दर्शन करने तो दुनिया भर के लोग आते हैं, लेकिन वहीं पर हिमाचल प्रदेश के युवा
देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटते हैं। अगर देश का पहला परमवीर चक्र विजेता भी कोई हुए तो मेरे ही हिमाचल प्रदेश से मेजर सोमनाथ शर्मा हुए। अगर कारगिल का युद्ध हुआ तब भी उसमें सबसे ज्यादा शहादत छोटे से हिमाचल प्रदेश से पहाड़ी राज्य से हुई, 53 युवाओं ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए तो उसमें से 2 हिमाचल प्रदेश के कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार। और जब आपके यहीं के एनसीसी कैडेट्स परेड कर रहे थे तो मैं मन ही मन में देख रहा था कि अनुशासन क्या होता है, ये एनसीसी कैडेट से देखना चाहिए। क्या शानदार उन्होंने परेड वहां पर की, इसलिए एनसीसी कैडेट्स के लिए जोरदार तालियों के साथ उनका, ये हमारे राष्ट्रीय कैडेट कोर के जो हमारे कैडेट्स हैं। जब उसके बाद मैं यहाँ पर मंच पर आया तो जहाँ एक और सरस्वती वंदना करने के लिए यहाँ की छात्राओं ने, मैं उस समय माननीय योगी जी से कह रहा था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत होते हैं, सरस्वती वंदना भी होती है, लेकिन वाणी में जो मधुरता थी, जो मिठास थी, वो कहीं ना कहीं लग रहा था जैसे कोई प्रोफेशनल गा रहा हो, उस तरह से यहाँ की बालिकाओं ने, यहाँ की छात्राओं ने वहां से प्रस्तुति उस तरह से की। योगी जी कह रहे थे कि कल मौसम बहुत खराब था, आज मौसम साफ हो गया है। जिस तपोभूमि में हम लोग खड़े हैं, जहां आप जैसे योगियों ने, महात्माओं ने तप किया हो, चाहे समाज के लिए किया हो, धर्म के लिए हो, स्वतंत्रता संग्राम के लिए किया हो, उस तपोभूमि में कुछ भी शुभ कार्य करना हो तो ईश्वर की कृपा अपने आप होनी शुरू हो जाती है। और जिन युवाओं के सामने मैं खड़ा हूं, इनको तो अभी और तपना है। और इसलिए आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्तों पर लाना है तुम्हें, अपने हाथों की इन लकीरों को मत देखना, इन लकीरों से भी आगे जाना है तुम्हें, इन लकीरों से भी आगे जाना है। आपने इतिहास के पन्नों में पढ़ा होगा कि बहुत सारे युद्ध होते थे, कोई सम्राट होता था तो एक के बाद दूसरे राज्य पर वो अतिक्रमण करके उस पर कब्जा कर लेते तो विजय प्राप्त करते थे। इसी तरह से बहुत बड़ा सम्राट जिसने एक के बाद दूसरे राज्य पर विजय करता जाए, तो ऐसे एक राज्य के ऊपर विजय करने के बाद जब वो अपने टेंट में वापस आए तो उसने ज्योतिष शो वहीं पर था, उसको वापस बुलाया और आदेश देकर कहा कि मेरा हाथ देखो और मेरे हाथ की रेखाओं को देखकर बताओ कि मेरा भविष्य क्या कहता है। तो जैसे ज्योतिष ने उसके हाथ की ओर देखा तो वो एकदम से सुन्न हो गया और कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा, मैं आदेश देता हूं, तुम्हें बताना पड़ेगा कि मेरे हाथ की लकीरें क्या कहती हैं। तो उसने कहा, क्षमा करें महाराज, आपके हाथ पर तो कोई लकीर ही नहीं। और उस सम्राट ने एकदम से अपनी कटार निकाली और एक लंबी सी लकीर अपने हाथ पर खींच दी और फिर उस ज्योतिष के सामने हाथ रखकर कहा कि अब बता मेरी लकीर, हाथ की ये लकीर क्या कहती है। तो खड़ा हुआ, झुककर प्रणाम किया कि मैं उस व्यक्ति के बारे में क्या कहूं जो अपने हाथ की लकीर खुद खींच सकता है, उसकी तकदीर के बारे में मैं क्या कहूं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको अपनी लकीर भी और तकदीर भी स्वयं लिखनी है। और तकदीर ना केवल अपनी बल्कि देश की भी, समाज के लिए समर्पित आपको रहना है, देश के लिए समर्पित आपको रहना है। जीवन योगी जी भी अपना जी सकते थे,
लेकिन समाज के प्रति समर्पित करके जहां एक और समाज को धर्म को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आप जैसे युवाओं से कहना चाहता हूं, आज हम सबके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। टेक्नोलॉजी के आने के बाद एक के बाद दूसरी नई चुनौती आती है। आपने सॉफ्टवेयर कंपनीज के बारे में सुना होगा, इंफोसिस हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, महिंद्रा हो, ऐसी बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने भारत का नाम दुनिया भर में आईटी के क्षेत्र में एक बड़ी नाम खड़ा किया। अब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें काम करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। जैसे आपके फोन पर भी कोई भी एप्लीकेशन आपकी होती तो पीछे एल्गोरिथम बनाने के लिए चाहिए, डेटा सेंटर पर काम करने के लिए कोई ना कोई इंजीनियर आपको चाहिए। लेकिन अब उसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया है। अब तो मैन पावर को भी आप लोग बहुत कम करने का एक नए नए तरीके निकलने शुरू हो गए, जिसके कारण रोजगार के अवसरों पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होना शुरू हो जाता। हर कोई कंपनी अपने अपने मैन पावर को कम करके सॉफ्टवेयर, रोबोटिक्स और इसकी ओर जाने की शुरुआत की। तो शिक्षा के साथ साथ आपको अपनी स्किल्स पर भी ध्यान देना होगा। स्किल्स पर ध्यान देते देते समाज में बहुत तेजी के साथ ये सब कुछ बदलता जा रहा है। दुनिया के बड़ी से बड़ी कंपनियों के सीईओस भी रिफ्रेशर कोर्स के लिए जाते हैं, बार बार कुछ ना कुछ नया सीखने की जरूरत पड़ती है। विराट कोहली से तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी भी ये नहीं कि एक बार कुछ सीख लिया उसके बाद सारा जीवन वैसे ही चलेगा, उनको भी वापस कुछ ना कुछ सीखने के वापस नेट्स में वापस कोचिज के पास आना पड़ता है, नए नए लोगों के साथ बैठना पड़ता है। और ये हमारे जीवन में एक नई चुनौतियां खड़ी करता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी जीवन में कोई नई चुनौती खड़ी होती है वो आपके लिए नए अवसर लाने का काम भी करती है। इस आपदा के समय वी हैव सीन लॉट ऑफ डिसरप्शंस थ्रू द वर्ल्ड। इस डिसरप्शंस के कारण ऐसा लगता था ना जाने दुनिया किस ओर जाएगी। अगर मैं मार्च 2020 की बात करूं, जब पहला लॉकडाउन लगा मार्च 2024 के आसपास लगा, आप में से अधिकतर लोगों को लगता होगा ना जाने इसके बाद होगा क्या, कितने लोग बचेंगे, कितने लोग जिएंगे, क्योंकि COVID-19 पैंडेमिक के बारे में किसी को पता नहीं था इसका इलाज क्या है। केवल ये कहा गया कि अपने आप को अपने घरों तक रोक कर रखो। फिर उसके बाद शुरुआत हुई, मास्क पहन के रखना है, 2 गज की दूरी बनानी, हाथों को निरंतर साफ करना है, ये कोविड प्रोटोकॉल है जिसको हम आज तक निभाते सब लोग आ रहे हैं। फिर ये हुआ कि बचने का तरीका क्या, मोदी जी ने वैज्ञानिकों को बुलाया भारत के और कहा कि हमें वैक्सीन हिंदुस्तान में बनानी है, नहीं तो पूर्व की सरकारों के समय देश में वैक्सीन 40-40 साल के बाद बनती थी, नहीं तो विदेशों से इंपोर्ट होकर आती थी। दुनिया के मात्र 4-5 देश कोविड की वैक्सीन बना पाए, उन 5-6 देशों में किसी एक देश का नाम है तो हमारे भारत का नाम है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने मोदी जी के नेतृत्व में करने का काम किया। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की तो जनसंख्या इतनी है कि अमेरिका की बराबरी कर ली जाए, यूरोप की बराबरी कर ली जाए, तो इतने देशों को मिलाकर आपको उस प्रदेश में भी कोविड के केसेस कम हो और कहीं पर केस हो जाए तो वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाए और आपको टीकाकरण के साथ जोड़कर आपको मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम भी किया जाए। ये देश में किसी राज्य ने सफलता के साथ करने का काम किया तो उस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है, और जिनके नेतृत्व में करने का नाम किया उनका नाम माननीय योगी आदित्यनाथ जी। 25 करोड़ की जनसंख्या को महामारी के समय बचाने का काम कोई छोटा काम नहीं। देश के
दुनिया के बहुत सारे देशों के कुछ सांसदों ने ऐसा कहा कि हमें योगी मॉडल पर जाना चाहिए और मोदी मॉडल पर जाना चाहिए। ये अपने आप में आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय मोदी। और आपको तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि आप जिस शिक्षण संस्थान में आते हैं, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का काम जहां पर किया गया, उसी शिक्षा परिषद के सचिव भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज उत्तर प्रदेश को ऐसा नेतृत्व दे रहे हैं जो हम सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश और विदेश में भारत का नाम पिछले 7 वर्षों में एक स्टार्टअप नेशन के रूप में भी आकर खड़ा हुआ है। मैं युवाओं के बीच में बात इसलिए कर रहा हूं कि रोजगार के साथ साथ जब हम स्वरोजगार और आविष्कार और कारोबार की बात करते हैं तो उसमें स्टार्टअप्स की एक बहुत बड़ी भूमिका है। 2014 से पहले गिने चुने स्टार्टअप्स थे, मोदी जी की सरकार आई तो युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने की बात कही गई, इनकम टैक्स की एग्जम्पशंस दी गई, इंस्पेक्टर राज से आपको मुक्ति देने का काम किया गया। और आप देखिए दुनिया भर में पिछले 5-6 वर्षों में भारत ने ऐसा किया है कि आप बाइजू, पेटीएम, ओला से लेकर ऐसी बहुत सारी कंपनीज को देखेंगे, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो स्टार्टअप से यूनिकॉर्न बन गई, यानी कि मात्र 4-5 लोगों से बनी हुई कंपनी हजारों करोड़ रुपए की कंपनी मात्र 5-5 सालों में बन गई। ये भारत के युवाओं की ताकत है कि वो छोटी छोटी कंपनियों को भी हजारों करोड़ रुपए की कंपनियां मात्र 5-7 सालों में बनाकर दुनिया में अपनी छाप रख लेते हैं। आज दुनिया भर की कंपनीज अमेरिका से लेकर जापान से लेकर चाइना से लेकर बाकी सब उनमें निवेश कर रहे हैं। और इस आपदा के समय हमारी इन स्टार्टअप्स ने जो कई दशकों से कंपनियां चल रही थी उनको खरीदने का काम भी किया, तो ये अपने आप में दिखाता है कि हमारे युवाओं में कितनी ताकत है। इसलिए मैं यहाँ के बैठे हुए अपने युवाओं से कहना चाहता हूं, आजादी की लड़ाई में तो यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, गोरखपीठ के माध्यम से अध्यात्म को आगे बढ़ाने को, योग को आगे बढ़ाने को, धर्म को आगे बढ़ाने का काम तो किया गया। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी जो अहम भूमिका आप निभा रहे हो, समाज और देश सदा सदा आपका ऋणी रहेगा, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का ऋणी रहेगा, उस महान बाप का ऋणी रहेगा, महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का ऋणी रहेगा जिन्होंने आज से 90 साल पहले उसकी नींव रखी थी और उसको आगे बढ़ाने का काम आपने पिछले 9 दशकों में किया है। आपके ऊपर ये दायित्व है, आपका एक कर्तव्य है कि आप यहां से सीख कर जब जाए एक शिक्षण संस्थान से भी जुड़े रहे और समाज और देश को आगे बढ़ाने का काम आप सब युवाओं को करना होगा। हम केवल अपने आप तक सीमित नहीं रह सकते, हमें अपने प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लेकर जाना होगा। आजादी के अमृत महोत्सव में हम चौरी चौरा की घटना को तो याद करें लेकिन साथ ही साथ नमन भी करें, उन युवाओं को याद भी करें, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव से लेकर चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं के जीवन से सीखे कि उन्होंने तो देश के लिए बलिदान दिया था, हमें योगदान देने का काम करना है, योगदान देने का काम करना है। और योगदान किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आप अपने लिए कोई भी करियर चुने उसके लिए आप उसके स्वतंत्र हैं, लेकिन आप समाज में किस क्षेत्र में बदलाव देखना चाहते हैं, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आपको संकल्प लेकर जाना होगा। अगर आपको लगता है युवाओं को नशे से दूर रखना है तो उस मुहिम से आप जुड़िए, आपको लगता है हमें अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखना है तो स्वच्छता अभियान से जुड़िए, आपको लगता है शिक्षा के माध्यम से आप कोई बदलाव ला सकते हैं तो गरीब और उन बच्चों तक शिक्षा का प्रसार कीजिए ताकि आप बाकियों को भी शिक्षित कर सकें।
आपको लगता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप कुछ कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ वहां पर भी करने का काम, कोई भी विषय आपके मन के करीब है, आप समाज में उस बदलाव को देखना चाहते हैं, तो एक बात याद रखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरुआत करनी होती है। और मैंने भी कुछ काम एक ऐसा अपनी ओर से शुरुआत की थी, डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर 2018 में 14 मैंने 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट, सांसद स्वास्थ्य सेवा, उसके साथ शुरुआत की। जैसे ये सामने आपके एम्बुलेंस दिख रही है, ऐसी वो गाड़ियां हैं, मैंने उनको रोज नई पंचायत में भेजता था, डॉक्टर नर्स लैब टेक्नीशियन के साथ मुफ्त में उनकी जांच की जाती है, 40 तरह के टेस्ट हो सकते हैं, मुफ्त में दवाइयां दी जाती हैं। और आप विश्वास मानिए, मात्र 3 साल से कम समय में हमने 7 लाख से ज्यादा लोगों की मुफ्त में जांच, इलाज और उपचार करने का काम किया। 7 लाख से ज्यादा लोगों, 3 गाड़ियों से 17 गाड़ियां हो गई, लोग अपने आप जुड़ते चले गए। मैं किसी के पास मांगने नहीं जाता था, कोई कहता था मुझसे गाड़ी ले लो, कोई कहता था मुझसे डॉक्टर का खर्चा ले लो, कोई कहता था दवाई मैं दूंगा, कोई कहता था पेट्रोल का खर्चा मैं लूंगा। आप अच्छा काम करने जाइए, कुनबा अपने आप बनता चला जाता है। और एक बात सदा याद रखिए, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये जो नेटवर्क आप अपना बनाते हैं ना, वही आपकी नेटवर्थ, वही आपकी जमा पूंजी हो जाती है। आप यहां बैठे, आप अपने स्कूल के अलावा दूसरे स्कूल के आए किस विद्यार्थी से आज जान पहचान करेंगे, वो कैसे पढ़ता है, कैसी मेहनत करता है, कैसे उसको आप संबंध में रह सकते हैं। आज जितनी आप ये सूची बनानी शुरू करोगे, जितने लोगों से जुड़ोगे, आपको जीवन में बहुत काम आएगा। मैं देश और दुनिया में जहां पर भी जाता था, जितने लोगों से मिलता था, 45-50 के लगभग देशों में गया हूं। आज कोई उस देश का मंत्री बन गया है, कोई किसी और भूमिका में है, अलग अलग भूमिकाओं में, कोई सांसद है, कुछ ऐसे भी थे जो शायद उस देश के प्रधानमंत्री बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आज एक मंत्री, मंत्री नहीं भी होता, सांसद भी होता, सांसद नहीं भी होता, एक इंडिविजुअल के रूप में भी जितना मेरा संपर्क सूत्र बना है, वो मैं अपने लिए नहीं लेकिन समाज और देश के लिए कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूं। आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है, उससे आपको और आपके समाज को लाभ मिलता है। सामाजिक संस्थाएं कैसे बनती हैं? कोई जमीन दान करता है, कोई ईंट दान करता है, कोई सीमेंट दान करता है, कोई शिक्षा के रूप में आके अपना जीवन दे देता है। और योगी जी जैसे लोग अपना पूरा जीवन समर्पित करके ऐसे शिक्षण संस्थानों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। क्या हम अपने आप को अपने तक सीमित रख सकते हैं? और जिस महापुरुष के नाम पर ये शिक्षा परिषद है, महाराणा प्रताप, उनका जीवन ही हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। एक ऐसा नाम जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि जो हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, यूपी सिंह जी, आप तो वाइस चांसलर हैं, अब आप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष भी हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, मैं जब अपने एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ता था, जो इतिहास में पढ़ाया गया वो सच्चाई से बहुत परे, हमें उनके बारे में बताया गया जो शायद इस देश पर अतिक्रमण करते थे, उनको महान योद्धा के रूप में बताया गया। और उन किताबों में तो शहीद भगत सिंह को एक्सट्रीमिस्ट बताया गया, एक आतंकी के रूप में बताया गया। क्या आप में से कोई शहीद भगत सिंह को आतंकी कह सकता है? क्या सरकारें 70 साल में रही होंगी? क्या शिक्षा देने का काम उन्होंने किया होगा?
कौन लोग उस शिक्षा पत्ति को तैयार करते होंगे जो शहीद भगत सिंह जैसे व्यक्ति को भी एक आतंकी के रूप में किताबों में दिखाने का काम करते थे। कुछ गिने चुने लोगों तक ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम को रोकने का काम किया गया। अगर देश और प्रदेश में हमारी सरकारें वो बदलाव ना करें तो सत्ता में परिवर्तन का भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि सही साहित्य पढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है, सही इतिहास पढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ऐसे लोग जो इसमें योगदान दे सकते हैं वो आगे आए, वो योगदान भी दें और नई शिक्षा नीति को हम तेजी के साथ लागू भी करें और हम आज के युवाओं को 21वीं शताब्दी में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तैयार करें। क्या आप सब भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तैयार हो? क्या आप योगदान देने के लिए तैयार हो? भारत को आगे बढ़ाओगे? महाराणा शिक्षा परिषद का नाम बढ़ाओगे? उत्तर प्रदेश का नाम चमकाओगे? तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, हम सब इकट्ठे मिलकर अपने भारत का और तिरंगे के मान सम्मान के लिए हर कदम उठाएंगे मेरे भाई और बहनों। बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब आप विचलित हो जाओगे, थोड़ा भटकने का भी प्रयास होता है, युवावस्था में हो जाता है, लेकिन हमें भटकना नहीं, एक लक्ष्य निर्धारित करके उसकी प्राप्ति की ओर हमें चलना। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, और उदाहरण कि स्वामी जी जब एक बार एक बंदर में चल रहे थे तो बंदर उनके पीछे पड़ गए, वो भागने शुरू हुए, बंदर उनको और भगाना शुरू कर दिया। आगे एक महंत बैठे थे, कहते रुको बालक, और स्वामी विवेकानंद जी रुके तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों भाग रहे? तो कहते बंदर पीछे भाग रहे, कहते जितना डरोगे उतने डराएंगे, पीछे मुड़ो उनकी और भाग। और जैसे स्वामी विवेकानंद जी पीछे मुड़ के उनको सामने से फेस करना शुरू किया, उनकी ओर चलने शुरू, तो बंदर भागने शुरू हो गए। जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी, उनसे आपको भागना नहीं है, सीधा खड़ा होकर उन चुनौतियों का सामना करना है। और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, चुनौतियों को देखकर भागना बहुत आसान होता है, हर जिंदगी में एक मुश्किल इम्तिहान होता है, मुश्किलों से भागकर कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में ही जहान। और गोरखपुर के गोरख मंदिर में, गोरखपुर धाम में इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो यहां पर भी लड़ना आसान नहीं था, लेकिन लड़ने वाले थे तो जो अतिक्रमण करने वाले थे उनको उल्टे पांव भागना पड़ा। ये सनातन धर्म का झंडा यहीं पर बुलंद होता चला गया। आपको भी रखना है, हमें भी भारत को आगे बढ़ाना है। मैं बहुत लंबा नहीं कहूंगा, केवल इतना ही कहूंगा, माननीय योगी जी आप तो एक कार्यकर्ता के रूप में राम जन्मभूमि के उस आंदोलन में जुड़े थे, शायद आपने भी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि महंत वैद्यनाथ जी के साथ आपको इस तरह से जुड़ना पड़ेगा। राम मंदिर की जिस लड़ाई में आप एक अपनी भूमिका निभाते थे कार्यकर्ता के रूप में जुड़ने के लिए, शायद आपने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि उसी राम जन्म भूमि का शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ योगी आदित्यनाथ जी को करने का अवसर मिला। आपने नींव पत्थर भी रखा है
और भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से ही होगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम राम मंदिर तो बनाएंगे, साथ ही साथ स्टार्टअप्स को बनाने का काम आप भी करेंगे, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। खेलों की बात योगी आदित्यनाथ जी ने यहां पर की, मैं इतना ही कहूंगा कि महंत दिग्विजय नाथ जी भी टेनिस खेला करते थे, तो स्वामी विवेकानंद जी फुटबॉल खेला करते थे, युवाओं के जीवन में खेलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप सब लोग देश के लिए नहीं खेल सकते, लेकिन अपने लिए खेलना जरूरी है। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज आधा घंटा आपको फिटनेस पर जरूर देना चाहिए, ताकि आप शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रह सके। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, खेलों को भी बढ़ावा दें। हम भी खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, और देश में तो मोदी जी ने दिया, जब पूरे देश भर के खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीत कर लाए, देश का केवल इकलौता राज्य एक उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिस उत्तर प्रदेश के राज्य ने और राज्य की सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, देश के सभी ओलंपिक विजेताओं को